वाली। तो आप लोगों को सबसे पहले इस चीज का अपोज करना बहुत जरूरी है, और अगर हम इस चीज का अपोज नहीं करेंगे तो आज ये चीज हमारे आज ये चीज 457 के ऊपर लागू हो रही है और कल 110% ये हमारे ऊपर लागू होने वाली। तो हम लोगों का ये बहुत जायज डिमांड है, हम लोगों को इसका अपोज करना चाहिए। सेकेंड चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोगों का बहुत फेथ है यूनियंस में। पिछली बार भी स्ट्राइक हुई थी, हम लोग आए, बहुत सक्सेसफुल स्ट्राइक होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एक बार स्ट्राइक होता है और 3-4 महीने के लिए फिर वापस सब कुछ गायब हो जाता है। मैं जितने भी जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो रिदम बनता है उसको तोड़ा नहीं जाए। पिछली बार भी 2 दिन की स्ट्राइक कॉल की थी, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सब ने अपना सैलरी कटवाया, लेकिन उसके बाद 3 महीने के लिए हम सब लोग फिर गायब हो गए। इस चीज को मैं यूनियन लीडर होने के बाद भी कहूंगा कि ये यूनियन की कमजोरी है, आप लोगों की कमजोरी नहीं है। आप लोगों स्मूथ करता हूं कि आप लोग हमारी एक आवाज पे हर बार अपना सैलरी कटवाते हो, हर बार अपना छुट्टी खराब करके यहां आते हो। ये यूनियनों को भी सोचना है कि वो इस रिदम को ना तोड़े, जो हमारा विश्वास है यूनियनों के ऊपर उसको ना तोड़े। इस बार अगर हम लोग ये स्ट्राइक किया है, आने वाले टाइम में भी इसको कंटिन्यू रखा जाए जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती है। ये ना हो कि हम 1 दिन की स्ट्राइक करें और 3 महीने तक चले जाए। चुनाव से पहले अगर हमारा कुछ भला नहीं हुआ तो नहीं होने वाला है, ये भी आप लिख के रख लो। हम मीठी मीठी बातें कितनी भी करें, कितने भी नारे लगाएं, कितना भी कुछ करें, लेकिन जो सच्चाई है हमको उसको मानना होगा। स्पेशली जो यंगस्टर्स है, आप लोग ध्यान रखो, 60-70% आप लोगों आज की डेट में इंडस्ट्री में। हमारा अगर आज की डेट में यूनियन स्ट्रांग नहीं हुई, आने वाला हमारा भविष्य ऐसा होगा कि हम प्राइवेट बैंकों से भी बदतर स्थिति में होंगे। तो हम लोगों को किसी भी ऐसे यंगल जनरल सेक्रेटरी, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं, अगर ये लोग मेरे को परमिशन देते हैं और ये आईबीए से बात करते हैं कि हम कंटिन्यू डेज पे बात करना चाहते हैं, जैसे राम मंदिर के लिए रोज सुनवाई होनी है तो क्यों नहीं रोज कंटिन्यूसली आईबीए के साथ बात हो। हम ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्टेट कैपिटल्स है वहां पे क्यों नहीं है कि आप यंग लड़के को भूख हड़ताल पे बिठाओ, हमको कोई जरूरत नहीं है सब लोगों की सैलरी कटवाने की। जब एक लड़का आईडीबीआई बैंक की, एक अकेला लड़का छत्तीसगढ़ की ब्रांच में, रूरल ब्रांच में पड़े हुए, वो अगर लोगों को टेबल पे ला सकता है बात करने के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं ला सकते। ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, बात सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के हिम्मत की है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, अगर मेरे को कभी परमिशन मिला हमारी यूनियन की तरफ से, सबसे पहला आदमी मैं हूँगा जो आपके लिए भूख हड़ताल पे बैठूंगा। बात सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने की है। आईबॉक ने जो डिसीजन इस बार लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी ये लोग डिसीजन लेंगे और हम लोग देश के अधिकारियों की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके 3,20,000 से अधिक अधिकारी जो हैं सदस्य हैं। आज आईबॉक ने यह निर्णय बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों के निर्धारण में किए जा रहे विलंब की वजह से ली है, क्योंकि सरकार के द्वारा आईबीए को कहा गया है कि वो केवल स्केल 3 तक के अधिकारियों के वेतनमान निर्धारित करे, इसके ऊपर की चर्चा ना करे, जो कि कदाचित अनुचित है और किसी भी तरह से न्याय संगत उसको नहीं ठहराया जा सकता। तो हमारी डिमांड यही है कि जो मैंडेट है वो कंप्लीट हो, उसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और हमारे 1 स्केल 1 से स्केल 7 तक के जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतनमान का निर्धारण एक साथ किया जाए। शर्मा जी, ये कोई बैंक यूनियंस की तरफ से बैंकों के मर्जर के लिए उसके ऊपर हड़ताल की कॉल दे दी गई है? हाँ, लगभग वो बैंक मर्जर के ऊपर है। इसमें जो मुद्दे हैं, इसमें बेसिक मुद्दे जो हैं कर्मचारियों अधिकारियों के हितों के हैं। हमारे जो साथी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमारी पेंशन, फैमिली पेंशन सरकार के मुकाबले में बहुत ही कम है। हमारे जो नए साथी आए हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाया गया है, तो हम उसका भी विरोध कर रहे हैं कि उसे स्क्रैप किया जाए और डिफाइंड पेंशन स्कीम दे दी जाए।
इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे कोई रेगुलेटेड आवर्स नहीं है, हमारे कोई वर्किंग कंडीशंस नहीं है, हमारी वर्क कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब है, हमारे लोगों को रात दिन कार्य करना पड़ता है, सुबह से शाम तक कार्य करने के उपरांत उन्हें संडे हॉलीडेज को भी काम के लिए बुलाया जाता है और उसके बारे में अधिकारियों को कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता।